मुख्य बाजार असरगंज स्थित राज बनेली स्मृति पुरानी दुर्गा मंदिर जलालाबाद असरगंज के प्रांगण में सूर्य मंदिर निर्माण हेतु भव्य शोभा यात्रा एवं भूमि पूजन समारोह आयोजित हुआ। छठ पूजा समिति नवयुवक संघ जलालाबाद के द्वारा यह आयोजन आयोजित किया गया था। शोभा यात्रा बनेली स्मृति दुर्गा मंदिर से असरगंज मुख्य बाजार कलाली मोड़ विक्रमपुर रहमतपुर असरगंज बस स्टैंड होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची। शोभा यात्रा में जय श्री राम सूर्यदेव भगवान की जय एवं छठ माँ की जयकारे लगाए गए। शोभा यात्रा में 7 घोड़ों पर सवार सूर्य भगवान की झांकी देखने के लिए जगह जगह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। भ्रमण के दौरान क्षेत्र के सभी देव स्थानों में पूजा अर्चना कर उन्हें भूमि पूजन कार्यक्रम में आने का आमंत्रण दिया गया। साथ ही सवा मन लड्डू चढ़ाया गया। भूमि पूजन बनारस के विद्वान पंडित जी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। पूजा स्थल पर आचार्य के रूप में सनी कुमार शक्ति कुमार और अनु कुमारी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस मौके पर विधायक राजीव सिंह भी मौजूद रहे। असरगंज शुरुआती दौर से आस्था का केंद्र रहा है, जहाँ पर सूर्य मंदिर का नींव पड़ रहा है, उसके बगल में जो है तालाब भी है और वहाँ पर जो है छठ का पूजा होता है। बरसों से वहाँ पर जो है सूर्य मंदिर का जो है टेंट में जो है सूर्य मंदिर की उपासना होती थी और बगल में दुर्गा स्थान भी है, माता का भी मंदिर है और उस जगह पर अगर सूर्य भगवान का मंदिर होता है तो बहुत अच्छा होता है। लोग जो है सुदूर देहात के लोग भी आकर के वहाँ पर, चूँकि तालाब है इसलिए जो है छठ मनाएं। ये जिले में पहला बताया जा रहा है कि सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर पहला नहीं है, क्योंकि तारापुर प्रखंड में भी एक लौना पंचायत है, वहाँ भी सूर्य मंदिर बना हुआ है, छठ माँ का मंदिर बना हुआ है। छठ माँ का मंदिर है तो सूर्योदय में जो सूर्योदय का और जो है सूर्यास्त का जो अर्घ देता है उसी को सूर्य मंदिर कहते हैं। इसमें सर आपका सहयोग कितना रहेगा? सर सहयोग की बात करते हैं, सहयोग नहीं रहता तो हम आते क्यों यहाँ? जी जी, और सहयोग जो होगा हम करेंगे सहयोग। धन्यवाद सर। दुर्गा मंदिर है, ये बहुत ही शक्तिशाली और शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है और यहाँ पर ही तालाब में पूरे असरगंज क्षेत्रवासियों के लोग छठ व्रत करते हैं। विगत कई वर्षों से यहाँ पर छठ व्रत का जो आयोजन होता है, प्रतिमा का स्थापना और यहाँ पर ही लोग अर्घ और सारा काम आयोजित करते हैं। इस लेकर के छठ पूजा समारोह समिति विगत करीब 15 वर्षों से अधिक से यहाँ पर जो है ये कार्य कर रहे थे और यहाँ के क्षेत्र के लोगों की कामना थी यहाँ पर सूर्य मंदिर एक बने और आज पूरे क्षेत्र ही नहीं पूरे जिले के लोगों की ये कामना प्रतिष्ठित कामना जो था सूर्य भक्तों का वह पूरा हो रहा है और निश्चित रूप से लगभग यह 25 लाख रुपए की लागत से यह मंदिर भव्य मंदिर बनेगा जिसकी प्रतिमा स्थापना भी की जाएगी और वह प्रतिमा यहाँ आ चुका है। यहाँ के युवकों ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया है और इसमें तमाम लोगों की सहभागिता है और क्षेत्र की जनता में काफ़ी खुशी है। आज भूमि पूजन का कार्यक्रम है मंदिर का और साथ ही साथ नगर भ्रमण का भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रही है। मैं इसके लिए तमाम युवकों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस कार्य की संकल्प लेकर के इस कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया है। ये मूर्ति कहां से मंगवाया जा रहा है? ये मूर्ति बनारस से आया हुआ है और आ चुका है मूर्ति। कितने फीट का ये मूर्ति है? 4x4 का।